श्री साईनाथ फाउंडेशन और भैया आशीष राज सिंघानिया जी का बहुत बहुत आभार, जो लगातार 3 साल से एक मिशन पर काम कर रहे हैं। और ये मिशन जब कामयाब होता है तो वो जश्न ज़बां के रूप में आपके सामने आता है। जश्न ज़बां साल दर साल अपने मेयार से ऊपर बढ़ता जा रहा है। जश्न ज़बां पूरे परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैं इस परिवार का एक छोटा सदस्य भी हूं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार महफिल सजाने के लिए। मैं बिना देर के मन से जा देता हूँ जी। अता करें हर्ष, एक मतलब और दो शेर से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। बेटे हो तो बस घर बार से खुशबू आती है। क्या क्या बेटे हो, कहा जाता है कि महिलाएं दोनों जहां को रोशन करती हैं, तब कहता हूँ। बेटे हो तो बस घर बार से खुशबू आती है, बेटियां हो तो फिर संसार से खुशबू आती है। क्या बात है, क्या कहना है, वाह वाह, क्या कहना है। बेटे हो तो बस घर बार से खुशबू आती है, बेटियां हो तो फिर संसार से खुशबू आती है। शेर ये देखें कि मैंने तो बस उसका नाम लिखा दीवारों में, मैंने तो बस उसका नाम लिखा दीवारों में, अब तो रोज दरो दीवार से खुशबू आती है। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहना है, क्या बात है। मैंने तो बस उसका नाम लिखा दीवारों में, अब तो रोज दरो दीवार से खुशबू आती है। आप सबके नाम ये शेर के इत्र लगाना, इत्र लगाना अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन इत्र लगाना अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन अच्छे लोगों के किरदार से खुशबू आती है। क्या बात है, क्या कहना है भाई, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इत्र लगाना अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन अच्छे लोगों के किरदार से खुशबू आती है। बहुत शुक्रिया। वाकई आपने, स्वयं भैया अभी बैठे थे तो स्वयं भैया कह रहे थे कि कुर्सियां और भरेंगी या नहीं। मैं इस बात की गवाही में यहां खड़ा हूं कि जश्न ज़बां परिवार का एक एक सदस्य और यहां जितने लोग उपस्थित हैं वो 100-100 के बराबर हैं। अनु दीदी 500-500 के बराबर है, बिल्कुल। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी गवाही को आप सही साबित करें। नहीं, मैं वो लोग सनद दे चुके हैं, बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है वाकतन वो, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। एक मतलब और 3 शेर ये हाजिर करता हूं कि ये माना जिंदगी अच्छी नहीं है, ये माना जिंदगी अच्छी नहीं है, ये मतलब उन लोगों तक पहुंचाया जो जिंदगी की जंग हार जाते हैं या उनसे हार मान बैठते हैं। ये माना जिंदगी अच्छी नहीं है तो फिर भी खुदकुशी अच्छी नहीं है। क्या कहना है भाई, क्या अच्छा मतलब हुआ है। ये माना जिंदगी अच्छी नहीं है, बहुत खूब, क्या कहना है, तो फिर भी खुदकुशी अच्छी नहीं है। क्या बात है। सुखन का शौक है अपनी जगह पर, सुखन का शौक है अपनी जगह पर, गमों से दोस्ती अच्छी नहीं है। क्या बात, सुखन का शौक है अपनी जगह पर, क्या कहना है, गमों से दोस्ती अच्छी नहीं है। एक एक आदमी शिरकत करे इस शेर में कि न रो पाते न हंस पाते हैं खुल के, न रो पाते न हंस पाते, न रो पाते न हंस पाते हैं खुल के, बहुत मैच्योरिटी अच्छी नहीं है। मैं क्या काफिया इस्तेमाल, काफिये की अलग से दाद, जिंदाबाद, क्या कहना है, बाँ बाँ। ये माना जिंदगी अच्छी नहीं है, क्या कहना, तो फिर भी खुदकुशी अच्छी नहीं है। सुखन का शौक है अपनी जगह पर, क्या बात, गमों से दोस्ती अच्छी नहीं है। क्या अच्छी गजल सुना। न रो पाते न हंस पाते हैं खुल के, बहुत मैच्योरिटी अच्छी नहीं है। क्या बात है। ये महफिल, ये महफिल तालियां
अच्छी हैं, लेकिन ये महफिल तालियां अच्छी हैं, लेकिन यहाँ तेरी कमी अच्छी नहीं है। ये महफिल तालियां अच्छी हैं, लेकिन क्या कहना है, वाह वाह। ये महफिल तालियां अच्छी हैं, लेकिन यहाँ तेरी कमी अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया, क्या कमाल आप सुन रहे हैं। एक दो तीन साल पहले एक गजल के कुछ अशार हुए थे जी, जी। लेकिन मुझे ऐसा कहीं माहौल मेरा मन नहीं बना जो मैं वो पढ़ सकूं। आज पहली बार मैं वो पढ़ना चाहता हूं आप सबके बीच। जी जी, मतलब यूं हाजिर करता हूं कि उसकी एक नजर पड़ते ही लड़का पिघल गया। उसकी एक नजर पड़ते ही लड़का पिघल गया। नौजवान महफिल है, मैं आप सबको, आप सबके नाम ये लड़के को सख्त होना चाहिए। बिल्कुल। उसकी एक नजर पड़ते ही लड़का पिघल गया। उसने जबली मिरर सेल्फी आईना पिघल गया। उसकी एक नजर पड़ते ही लड़का पिघल गया। उसने जबली मिरर सेल्फी आईना पिघल गया। एक जमाना था जब मैं सख्त जबां का लड़का था। एक जमाना था जब मैं सख्त जबां का लड़का था। उसने जब से होंठ छुए हैं लहजा पिघल गया। क्या बात है, क्या कहना है। एक जमाना था जब मैं सख्त जबां का लड़का था। क्या बात है। उसने जब से होंठ छुए हैं लहजा पिघल गया। क्या बात है। एक गजल का एक मतलब और तीन शेर और मुलायजा फरमाए कि मुझको देख के एक चेहरा शर्माता था। मुझको देख के एक चेहरा शर्माता था। मुझको देख के एक चेहरा शर्माता था और मैं इतना बुद्धू था शर्माता था। क्या बात है। मुझको मुझको देख के एक चेहरा शर्माता था और मैं इतना बुद्धू था शर्माता था। दूजे इश्क से आंखें कुछ बेबाक हुई। दूजे इश्क से आंखें कुछ बेबाक हुई। पहले इश्क में मैं थोड़ा शर्माता था। क्या कहना है, क्या कहना है। वाह वाह। मुझको देख के एक चेहरा शर्माता था। क्या बात है। और मैं इतना बुद्धू था शर्माता था। दूजे इश्क से आंखें कुछ बेबाक हुई। पहले इश्क में मैं थोड़ा शर्माता था। शर्माता था। नहीं, वो इनायत अली खान साहब ने कहा है कि इस नई नाजनी को क्या मालूम प्यार कितनी मेरी जरूरत है। साल के दूसरे सेमेस्टर में ये मेरी 12वीं मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई कमाल का। दूजे इश्क से आंखें कुछ बेबाक हुई। पहले इश्क में मैं थोड़ा शर्माता था। दो शब्द आएंगे अगले शेर में, एक तो दौरे वस्ल मिलन का समय वक्त और एक दानिश्ता मतलब जानबूझ करके शेर सुने के। दूजे इश्क पहले इश्क में माफ कीजिएगा दूजे इश्क से आंखें कुछ बेबाक हुई। पहले इश्क में मैं थोड़ा शर्माता था। ताकि मेरी मुश्किल वो भी महसूस करे। दौरे वस्ल में दानिश्ता शर्माता था। देखिए चलाकी बढ़ती जा रही है। ताकि मेरी मुश्किल वो भी महसूस करे। दौरे वस्ल में दानिश्ता शर्माता था। इस गजल का आखिरी शेर के दौरे वस्ल में दानिश्ता शर्माता था। उसकी खुशबू लेकर गुल आबाद हुए। उसके हाथ में गुलदस्ता शर्माता था।